एवरीवन मैं गीता वर्मा गीता किनू रेसिपी हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कर जन्माष्टमी स्पेशल मेवा जिसे मेवा जिसे से और से और चीनी बनाया जाता है इसमें कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं लगता है जैसे कि मावा फिर भी ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है जन्माष्टमी पे इसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है चलिए देखते हैं इस आसान सी और मजेदार रेसिपी को हम कैसे बना सकते हैं तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गैस पे पैन रख लेंगे इसके अंदर तीन से चार टेबलस्पून में देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि भगवान का भोग बना रहे हैं तो देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पे घी को मेल्ट होने देंगे अब इसके अंदर मैं बादाम डाल रही हूँ आधा कप सौ ग्राम के करीब ये बादाम है बादाम को हमें हल्का हल्का फ्राई करना है दो से तीन मिनट में आप देखेंगे इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे क्रैक्स आने का मतलब है कि ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं क्रैक आने के बाद हमें इसे निकाल लेना है बहुत ज़्यादा देर से फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो फिर ये जलने लगेंगे अब अगली चीज़ मैंने यहाँ पे काजू डाली है ये भी मैंने हाफ कप यूज़ किया है और जो काजू होते हैं उन्हें सिर्फ एक मिनट लगता है फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जैसे ही हल्का सा पिंक कलर आना शुरू हो जाए इसे निकाल लेंगे अब अगली चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोंद जो कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों में और और इससे ये मेवा पाक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो धीमी धीमी आज पे हमें गोंद को पकाना है क्योंकि ये फूलता है अगर ये अच्छे से फूलेगा नहीं तो कच्चा कच्चा रह जाएगा और घी की कंजूसी भी ना करें नहीं तो फिर ये कच्चा रह जाता है और एक बार में ज़्यादा ना फ्राई करें इसे दो बार में फ्राई आप कर सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चौथाई गोंद का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा मैंने अभी फ्राई किया है थोड़ा सा मैं बाद में करूँगी तो धीरे धीरे धीमी धीमी आज पे आप देख रहे हैं इसका साइज बड़ा होता जा रहा है ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं अगर ये फूलेगा नहीं तो फिर आपके दांत में चिपकेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर मैं फिर से घी डाल रही हूँ और जो बचा हुआ गोंद है उसे मैं फिर से फ्राई करूँगी तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था इसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था तो यहाँ पे हमारा गोंद फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है इसे भी मैं निकाल लेती हूँ अब जो बचा हुआ घी है इसके अंदर मैं एक कप ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ यानी कि नारियल जो सूखा वाला नारियल आता है उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था वही नारियल आपको यूज़ करना है इसके अंदर मैं अगली चीज़ जो डाल रही हूँ वो है खरबूजे के बीज और ये भी मैं वन फोर्थ कप यूज़ कर रही हूँ मेवा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जो भी मेवा आपको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो इसे भी एक से दो मिनट हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है एक दो मिनट में ही आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है हल्का हल्का सा इसका देखिए कलर चेंज हो गया है बस इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं फिर से मैंने सेम पैन रखा है और फिर से मैं तो इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी दो चम्मच के करीब अब इसमें अगली चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ मखाना एक कप मैंने मखाना का यहाँ पे यूज़ किया है और इसे भी हम धीमी धीमी आज पे दो से तीन मिनट तक फ्राई कर लेंगे दो तीन मिनट में ही आप देखेंगे क्रिस्पी भी हो जाएंगे साथ ही सारे घी को अब्सॉर्ब कर लेंगे तो इस तरह से धीमी धीमी आज पे आपको इसे चलाते रहना है तेज आँच मत करिएगा तेज़ आँच पर ये जल जाते हैं तो यहाँ पे हमारे जो मखाना है वो भी फ्राई हो गए हैं और इन्होंने पूरा घी अब्सॉ कर लिया है इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इसे मैं गोंद के साथ ही निकाल रही हूँ अब गैस मैंने बंद कर दी है यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और जो काजू बादाम हमने फ्राई करके रखे थे उन्हें एक साथ पीसना है और इन्हें मोटा मोटा पीसना है बारीक पाउडर नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है चलिए आपको दिखाती हूँ तो कुछ इस तरह का मोटा मोटा पाउडर मैंने तैयार किया है ये देखिए तभी जो मेवा पाक है खाने में अच्छा लगता है अगर आप इसे पाउडर बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा इसे जार में अब मैं अगली चीज पीस रही हूँ गोंद और मखाना जिसे भी हमें मोटा मोटा ही पीसना है बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ को अलग अलग रखा है जैसे कि गोंद मखाना को एक साथ रखा काजू बादाम को एक साथ तो जैसे मैंने पीसा है आपको ऐसे ही पीसना है एक साथ सारी चीज़ें नहीं पीसनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे भी मैंने मोटा मोटा दरदरा पीसा है और नारियल को आपको पीसने की ज़रूरत है ना ही खरबूजे के बीज को अब मैंने फिर से गैस पे एक पैन रखा है जिसके अंदर मैं दो कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ दो कप चीनी के लिए यहाँ पे हम एक कप पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम चाशनी बनाने जा रहे हैं गैस को यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे कर दूँगी आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने नहीं किया है अब इसको हम पकाते जाएंगे यहाँ पे थोड़ी सी चीनी मुझे गंदी लग रही थी तो मैंने यहाँ पे दो चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है इस चाशनी को साफ करने के लिए जैसे जैसे ये पकेगा आप देखेंगे फटा हुआ दूध साइड में आने लगेगा झाक से नज़र आने लगेंगे इस झाक को आपको निकाल देना है यही वो गंदगी है जो चीनी के अंदर थी तो यहाँ पे हमारी चाशनी क्लियर हो गई है अब सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे तो ये काजू बादाम है जो हमने पीस के रखा था इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे आप चाहे तो चाशनी को पहले एक तार की बना के फिर सारी चीज़ें डाल सकते हैं पर मैंने पहले ही डाल दी है क्योंकि मैं इसे थोड़ी देर तक पकाऊंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए तो आपके ऊपर है चाहे तो पहले चाशनी को एक तार की बना लीजिए उसके बाद सारी चीज़ें डालिए या फिर मेरी तरह भी बना सकते हैं मैंने यहाँ पर नारियल और खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं और जो मखाना पीस के रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है अब सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे और इसे हमें पकने देना है हाई फ्लेम पे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी हद तक ये गाढ़ा हो गया है थोड़ी देर इसे और पकने देते तब तक यहाँ पे हम एक थाली लेंगे किनारे वाली और इसके अंदर घी लगा लेंगे आप चाहे तो बटर पेपर भी नीचे लगा सकते हैं जिससे कि पीसेस निकालना आसान हो जाता है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया पाँच मिनट के अंदर ही और आप चेक कर सकते हैं जब आप इसे चेक करेंगे तो ये काफ़ी थिक हो चुका हुआ काफ़ी गाढ़ी चाशनी हो जाती है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी गर्म है इस तरह से जब आप हाथ में लेंगे तो काफ़ी मोटा तार बनता है तो यानी कि ये हमारा जो पाक है तैयार हो गया है बस इसे हमें सेट करना है इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है तो इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है और इसे हमें थाली में ट्रांसफर कर देना है ये देखिए तो यहाँ पे इसे मैं फैला दूंगी ये अभी काफी गर्म है तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है इस तरह से स्पैक्टा की मदद से इसे आपको फैला देना है ये देखिए चारों तरफ से बराबर फैला देंगे और इसे इसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देना है एकदम से ठंडा नहीं करना है इसे हल्का सा ही ठंडा करना है जब ये हल्का हल्का गर्म रहे तभी हम इसके पीसेस कट करेंगे अगर ये एक बार सेट हो गया तो फिर आप इसके पीसेस नहीं कट कर पाएंगे तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है गर्म गर्म में ही मैं इसके पीसेस काट रही हूँ अगर एकदम गर्म में काटेंगे तो नहीं काटेंगे क्योंकि गीला था उस टाइम पे जब ये थोड़ा सा सेट हो जाए तब आपको इसके पीसेस काटने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो रही है सेम इसी तरीके से हम दोनों साइड से इसके पीसेस काट लेंगे जितने बड़े पीसेज आपको रखने हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो गया चलिए इसके पीस निकाल लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के तो जल्दबाजी नहीं करनी है आराम आराम से निकालना है क्योंकि नीचे बटर पेपर नहीं लगाया है अगर आपने बटर पेपर का यूज़ किया है तो ये बहुत ही जल्दी आसानी से निकल जाएगा तो आराम आराम से इस तरह से हम निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीस निकल चुका है और जब एक पीस निकल जाता है तो बाकी सारे आसानी से निकल जाते हैं तो पहले मैंने साइड का पीस निकाल लिया ये देखिए कितना बढ़िया बना है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा